तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कश्मीर के लोगों के बारे में, वहाँ के कल्चर और वहाँ के खान पान के बारे में, और अगर आप लोगों ने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट को देखें और फिर ये वीडियो कंटिन्यू करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कश्मीर के 5 सबसे मशहूर जगहों के बारे में जहाँ आपको बिल्कुल जाना चाहिए अगर आप कभी कश्मीर गए तो। कश्मीर का नाम सुनते ही जो सबसे पहली चीज़ आपके जहन में आती है वो है डल लेक में तैरते शिकारा। डल लेक कश्मीर के सबसे पॉपुलर अट्रैक्शंस में से एक है। डल लेक में 2 तरीके के नाव होते हैं, एक तो है शिकारा जिससे आप पूरी डल लेक की सैर कर सकते हैं, और दूसरी है हाउस बोट जिसमें आप स्टे कर सकते हैं। डल लेक में फ्लोटिंग मार्केट भी है जहाँ से आप कुछ यादगार सुवीनियर्स खरीद सकते हैं। तो अगर आप कभी कश्मीर जाएं तो डल लेक जरूर जाइए। गुलमर्ग एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो कि श्रीनगर से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही फेमस है। ठंड के मौसम में पूरी दुनिया से स्कीइंग के शौकीन यहाँ जुटते हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण है गंडोला राइड। 14,000 फीट की ऊंचाई पर बना यह गंडोला राइड एक अलग ही एक्सपीरियंस है। बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ गुलमर्ग में हुई है। ये जवानी है दीवानी, हाईवे, बॉबी और हैदर जैसी कुछ मूवी है जिसकी शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। पहलगाम को शेफर्ड वैली भी कहा जाता है। इस जगह की सुंदरता शब्दों से परे है। यहाँ बहती है खूबसूरत नदी लिदर और उसी के आसपास फैला है देवदार के घने जंगल जिनके पीछे हैं बर्फ की चोटियाँ। पहलगाम से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है चंदनवाड़ी जो कि अमरनाथ यात्रा का बेस पॉइंट है। इसकी रूट एक बहुत ही सीनिक रूट हम कह सकते हैं। इस रूट पर एक ओर आपको लिदर नदी बहती हुई दिखेगी तो दूसरी ओर शांत सा पहाड़। अनंतनाग श्रीनगर से 53 किलोमीटर की दूरी पर है और इसे इस्लामाबाद के नाम से भी जाना जाता है। अनंतनाग एक धार्मिक स्थान है और अमरनाथ मंदिर यहीं पर है। अनंतनाग के बिना कश्मीर की लिस्ट पूरी हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थे कश्मीर के 5 सबसे मशहूर जगह। वैसे तो कश्मीर के बारे में बताने के लिए अभी भी बहुत कुछ है, पर कुछ जगह को जाकर महसूस करना ही ज्यादा अच्छा होता है। पर हमारे लिए काफी दुर्भाग्य की बात है कि भारत में होते हुए भी आज कश्मीर के जो हालात है, हम उन हालातों में कश्मीर नहीं जा सकते। तो दुआ कीजिए कि जल्द कश्मीर के हालात सुधरें। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए इस चैनल के साथ ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के बीच। धन्यवाद।